सर यहाँ पे सर एक सोलो सर इकडे या सर यहाँ पे थैंक यू सर थैंक यू सर जी जी सर अरे थोड़ा सा पीछे हो जाओ सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर सेंटर कैमरा इधर इधर थैंक यू सर थैंक यू अरे कौन ही नाम वाला सेंटर में पहले सेंटर में स्टार्टिंग सेंटर मैम यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम यहाँ पे मैम राइट मैम आपकी मैडम
सर यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अमृतसर सामने सर कौन भाई फोटो बना रहे हो वीडियो फोटो भी लुक गया अमृतसर यार फोटो भी लुक गया ये वाले भी इनको भी मंडे कलाकार हेलो माइक आ जा रहा है माइक है ना आप चल रहा है सो आप सवाल जवाब वैसे मैं हर्ष मैं इस फिल्म का डायरेक्टर मुझसे कहा गया कि मैं अपना आपको पहले इंट्रोड्यूस कराऊं और वैसे मैं लास्ट बेंच वाला हूं तो मुझे लिखते वक्त मैंने सोचा नहीं था कि यूं फंस जाऊंगा मेरी याद में माइक आ जाएगा खैर तो बाकी आप कोई सवाल जवाब है तो वो करें या पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपने फिल्म के लोगों से मिलवाऊं और हमारे यहाँ सारे एक्टर्स आज मौजूद हैं कुछ लोग खास शूटिंग छोड़ करके आए हैं कुछ लोगों ने हमारी खास मदद की है पहले मैं चाहूंगा कि कैमरे के पीछे जितने लोग थे उनको तुरंत जल्दी 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 जो है मिलवा लूं हेलो तो कहाँ है अपना विवेक विवेक आए गौरव आए विवेक हमारे क्या कहते हैं चीफ कहते हैं फर्स्ट क्या बट मैं कंफ्यूज हूँ हाँ चलो चीफ और ये फर्स्ट हैं चलिए गौरव इन दोनों का साथ रहा और उसके अलावा और भी लोग हैं हिमांशु आइए और मैं कुछ भूलता जाऊंगा तो इंतजार ना करें नाम लिया कि नहीं लिया आते जाइए शुभांगी यहाँ रुको मत अपने नाम के लिए प्लीज अब ऐसी मेरी परीक्षा ना लो आ जाओ जितने भी थे जल्दी प्लीज मीनाक्षी जी आए सिद्धांत सत्यजीत अरे उठो ना आ जाओ यार प्लीज मुझे यूं मेरी परीक्षा ना लो सत्यजीत आओ आबिद भाई क्यों इंतजार में प्लीज मेरी मदद करें जल्दी आ जाए ये और भी ज्यादा देर के लिए नहीं ये निकाल देगा हाँ 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 सभी तो मैं कह रहा हूं कहां गए नंदू जी ये सभी और प्लीज कोई नाम रह गया तो नहीं नहीं रजत नाम नहीं बोले रजत सर को अलग से बुलाएंगे ये मीनाक्षी जी हैं इनका सारा रहा पूरी शूट के दौरान मुझे लगता था कि फिल्म में एक ही गुंडा होता है डायरेक्टर लेकिन पता चला कि प्रोडक्शन मैनेजर होता है बाहुबली और वो सबको ठिकाने पे लगाए रखता ये जो आजकल छोटा चिप होता है उसका साक्षात्कार है इनके साइज पे ना जाए बड़े खतरनाक है आते जाते मैंने किसी को सुना ये कह रही थी लपड़ मारू क्या एक तुझे प्रेस वाले से कह रही थी ये हिमांशु है खाली वक्त पे यूं तो एडिटर है एडिटिंग सीख रहे हैं और एडिटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं खाली वक्त में ये प्यार ढूंढते हैं ऐसा समझ में आता है मुझे और और ये सत्यजीत हमारे फिल्म के एडिटर इन सब ने बहुत झेला है मुझे मैं झेला तो सभी ने है बात अलग है सिद्धांत हमारी फिल्म की डीओपी इनके बिना काम हो पाना बड़ा मुश्किल था शूट पे छोटी फिल्मों का टाइम का टेंशन रहता है 28 दिन में 25 दिन में पूरी फिल्म शूट करनी होती है बहुत टेंशन इन लोगों के सर पे आता है और ये चूँ के बिना इन्होंने सारा काम किया है तो इनकी बहुत बड़ी मदद रही आबिद भाई और हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर नंदू जी आबिद भाई आर्ट देख रहे थे फिल्म का और अब आए अमृत और अशोक जी प्लीज जल्दी आ जाए सर आप नहीं आना चाह रहे हैं तो आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए आप लोगों को तो मैं आने का जोर नहीं दे सकता लेकिन आ जाए तो अशोक जी आएंगे नहीं आएंगे चलिए अशोक जी आप जहां भी हैं हाथ उठा दें प्रोड्यूसर अमृत और अशोक जी जो आपके सामने नहीं है लेकिन इस हॉल में है उनके लिए भी तालियां हो जाए
और सबसे खास बात जिनके बिना मेरे लिए फिल्म हो पानी बहुत मुश्किल थी, बाकी सबका तो साथ रहा, लेकिन सबसे पहले आदमी जो रजत मुखर्जी आए यहाँ पे, उनको ये कतई पसंद नहीं, फिलहाल वो चाह रहे होंगे किसी सोफा के नीचे छुप जाए, लेकिन मैं, मेरी अपनी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, माँ बाप ने कुछ अच्छी बातें सिखा दी, कुछ याद रह गई। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और कहा कि मैं जानता हूँ किसी को, मैं आपको मिलवाता हूँ। कोई आदमी इतनी आसानी से अपने प्रोड्यूसर से नहीं मिलवाता। खैर, तो ये हुई फिल्म की कहानी और उसकी इमोशनल कहानियां, और अगर कोई रह गया हो तो मैं अभी माफी चाह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल, मैं अभी मैं घबराया हुआ सो हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। और अब हम आप लोगों को अपने एक्टरों से मिलवाते हैं, है ना, और आप लोग चलें। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद अगली किसी फिल्म में मिले तो मिले। और थोड़ा पानी मुझे दें यार, और कहां से शुरू करें, पहले बच्चों से शुरू करते हैं, है ना। आओ बासु, बासु सोनी और नबील, मयूर यहां है कि नहीं, अरे पलाश, पलाश हमारे फिल्म के एक्टर हैं। ये पलाश है, अब आपको दिख रहे होंगे। नबील, विकी यहां नहीं है शायद, विकी, अरे वाह, चलो बढ़िया, पहुंच गए हैं विकी अरोरा। और मयूर यहां नहीं है, मयूर नहीं है, प्रथमेश अभी नहीं आया है। सना, सना प्लीज आइए। इन सभी ने बहुत अच्छा, मैंने, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने ट्रेलर में इन सबको देखा है कि करके, इनकी ये पहली फिल्म है, इस मारे बहुत खुश हैं, इनकी भी ये है पहली फिल्म है। आजकल कोक के एड में आते हैं तो हमारी फिल्म को फायदा होगा। हाँ, ये नवील है और ये पलाश है, पलाश। हेलो। खैर, तो ये लोग, चलो हो गया, फोटो लेंगे, प्लीज फोटो लीजिए जी। हाँ, नजदीक आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं, घबरा के अभी आ जाओ, कुछ ना हो जाएगा। हाँ, ये कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ देखे, कौन सा लो पहले खींच रहा है। हो गया, चले, कम ऑन प्लाश, थैंक्स अ लॉट, बस चलो चलो, थैंक यू। और अब कठिन है, मैंने कौन सा नाम पहले लें, कौन सा नाम बाद में लें, काश के सारे नाम एक साथ लिए जा सकते हैं। ये नारियल टूटा, सब आ जाए और मैं सबके नाम एक एक करके, प्लीज आ जाए, आइए 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 आइए, जो भी यहाँ मौजूद है सब आ जाए, आइए उषा जी। हाँ। हाँ प्लीज, और कोई प्लीज ये ना बैठे कि मेरा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो ही जाऊंगा प्लीज। और यहां से जाहिर है कि अलका जी, अलका अमीन, उषा जी, सुनीता सेन गुप्ता, अलका जी बीमार रहती थी उस शूट में, पूरी फिल्म के दौरान बहुत बीमार रही, इनकी शक्ल पे जो पूरी पिक्चर में भी दिख रहा होगा, उनको बीमार रहना भी था उस फिल्म में, तो बहुत काम रहा हमारे लिए, इनको बहुत तकलीफ हुई लेकिन हमें बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। उषा जी, उषा जी के लिए ताली बजाएं, इनके साथ मैंने जो है एक सीरियल में काम किया था, और नहीं मेरी माँ नहीं बनी थी यहाँ, किसी और की माँ थी, लेकिन थी तो हाँ। और सुनीता सेन गुप्ता, मैं वैसे मेरी बीवी भी है लेकिन एक्टर हैं, तो पहले एक्टर का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। हाँ नहीं, बीवी होने के नाते तो परेशान होना पड़ता है, एक तो घर पे परेशान रही जितनी दौर कहानी लिखी गई, उसके बाद अब एक्टर हैं, एक्टिंग ठीक ठाक कर ही लेती हैं, तो उनको कास्ट भी किया गया,
लेकिन कास्ट करने पर होता क्या है कि एक्टरों की सारी दिक्कतें रहती हैं, मैंने वो मैं एक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि मेकअप अगर थोड़ा आगे पीछे हो, कॉस्ट्यूम ठीक ना हो, जूता टूटता हो तो सेट पे जाने का मन नहीं करता, काम रुक जाता है, इसको ठीक करो उसको ठीक करो वगैरह 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 सबके साथ होता है। लेकिन जब आप डायरेक्टर की बीवी भी हो तो गालियां ज्यादा सुननी पड़ती हैं प्रोडक्शन से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। नागेश बहुत पुराने दोस्त, सीमा जी मुझे तो खैर नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी की, लेकिन मनोज पावा, विनय पाठक, राजेश और वंदना, वंदिता, वंदिता आपने शॉर्ट देखा है कभी डांस का निकला, वो डांस इन्होंने किया हुआ है। Anybody else? Some kind of like, right? डॉली जी नहीं आई है, प्रथमेश सभी शादियां पहुंचे नहीं है, मयूर नहीं आए हैं, वो लोग भी होते तो उनसे सारी मुलाकात हो जाती। तो खैर ये है, अब शायद कोई सवाल हो आप लोगों के पास, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सेंसर से भी फिल्म मक्खन निकल गई, यहां भी मक्खन, तो मतलब फिर तो कमाल ही है। नहीं आप लोग नहीं बात करना चाह रहे हैं, किसी के पास कोई सवाल? जी 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 शुक्रिया। हाँ जी जी, उसका मैं ये बताऊं कि वैसे बहुत आम सी एक कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ी है, आसमान से गिरे खजूर मेट के, तो वो एक याद थी बात, मैंने वो मुहावरा मुझे याद है, और ये पूरी कहानी जो थी वो जो मैंने जिस किस्म की इसमें सिचुएशन है तो वही मुझे सबसे पहले सूझा, वही मुहावरा सूझा था, तो उस मुहावरे का एक हिस्सा जो है उसको हमने यहाँ टाइटल बनाया हुआ है, तो यूं हम खजूर पे अटके पे पहुंचे, तो मुहावरे से ही लिया हुआ है इसको। विनय जी है, विनय जी से कोई सवाल नहीं करना चाह रहे हैं आप? मैंने हम लोग तीन दिन से तैयारी में लगे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोग यूं ना करें, नाम ही पूछ लें किसी से, फिर से किसी का आईपीएल का स्कोर पूछ लें, कोई तो बात करें, प्लीज बतियाओ ना हमसे कोई। हाँ पूछिए सर। ये सवाल बहुत अच्छा है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता कि मैं या तो एक्टिंग कर लेता या मैं कैमरे के पीछे का काम कर लेता, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि पहली फिल्म में मैंने क्या है, जब नया नया कोई शुरू करते हैं ना तो ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, तो मेरी इच्छा तो बहुत थी कि एक रोल मैं कर लूं, लेकिन लगा कि नहीं यही ठीक रहेगा, लेकिन एक्टर है तो बास तो आते नहीं है, देखिए फिल्म देखिए, क्या पता शायद देख जाए, क्या मालूम, तो ये है। मुझे लगता है कि लोग मेरी फीस देने से कतरा रहे हैं आजकल, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा फिल्में नहीं आ रही हैं, और पता नहीं आप कैसी फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब भी हमारी छोटी फिल्म रिलीज होती है आप उसको नहीं देखते हैं, तो आपको लगता है मैंने फिल्म की ही नहीं है, तो हर्ष हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पहली बार फिल्म बना रहे थे और उन्होंने अपना वाला रोल मुझे दे दिया था। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करता तो यही कर लेते वो रोल, तो ये ऐसी विडंबनाएं होती रही है मेरे साथ गत वर्षों में कि मेरा रोल डायरेक्टर खुद ही कर लेता है, तो इसीलिए यहाँ आई गॉट लकी। और अरे दिल तक पहुंच रही है लेकिन जेब से खर्च नहीं करते ना लोग, दिल तक तो आप डीवीडी पे भी देख लेती हैं, नेटफ्लिक्स में देख लेती हैं, छोटी फिल्मों की विडंबना यही है कि जब छोटी फिल्में रिलीज होती हैं तो उसको सिनेमा घर में जाके देखने की आकांक्षा बहुत कम लोगों को रह गई है, और छोटी फिल्में इसी बात पे बहुत संघर्ष कर रही हैं। आप पिछले 10 साल में उठा के देख लीजिए, जितनी फिल्में हम बनाते हैं हमारे देश में, जिस संख्या में हम फिल्में बनाते हैं उस रेशियो में कितनी छोटी फिल्में हिट हुई हैं या जिन्होंने पैसा बनाया है, आप खुद आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाए।
उसके पीछे का कारण हमें पता रहता तो हम उधर बैठ के छोटी फिल्में ही बना रहे होते। लेकिन फिल्म का प्रोमो देख के लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है और जिस तरह से आप लोगों ने मस्ती के साथ बनाई है, आप सबका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कैसा रहा शूटिंग के दौरान? हाँ, आप तो ये बहुत अच्छी बातें करेंगे इसलिए ये सही समय है इनसे पूछने का, प्लीज। लेकिन हाँ, छोटी फिल्म की बहुत दिक्कतें होती हैं, कुछ बातें मैं बताता हूँ 2 मिनट, उसके बाद आप इनसे बात कर लीजिएगा। 28 दिन में हमको 28 और 25 दिन में शूटिंग खत्म करनी थी, बहुत प्रेशर रहता है, मेरी पहली फिल्म थी और इन सभी लोगों ने पूरे यूनिट ने, मतलब पीछे और आगे अगर इन लोगों का मुझे सहारा नहीं होता, क्योंकि कई बार तो जल्दी में काम करना है तो आप एक्टर को भी बुला लेते हैं, वो भी अपनी कुर्सी पे लाइन कर रहा है, उसके आसपास पे लगा हुआ है, उसके बीच में सीन की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी शक्ल पे दिख रहा है कि वो चाह रहे हैं कि अरे चुप हो जाओ तुम लोग सब। लेकिन इन लोगों ने किसी ने भी पूरे के पूरे 28 दिन चू भी नहीं किया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि इनको लगा है कि दिमाग फटता जा रहा है इस पूरे टेंशन में, भाग दौड़ में, लेकिन वो दूसरे वो यूं रुके हैं कि नहीं नहीं नहीं, हर्ष की पहली फिल्म है, तो घर से बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि लोग कैसे आपके साथ इतने प्यार से और इतने उदारता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी इन लोगों से वैसे कोई मुलाकात नहीं है, निजी मुलाकात किसी से नहीं है सिवाय अलका जी के और ऊषा जी की, जिनके साथ मैंने काम किया है, और नागेश मेरे दोस्त हैं और ये तो बीवी हैं ही, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन सीमा जी, मनोज, विनय, राजेश, वंदिता, प्रथमेश, ये सारे बच्चे जो आपने देखे, सना खड़ी हो जाए प्लीज, हमारी फिल्म की वैसे देखा है हीरोइन तो यही है, ये क्यों बैठी है, इनको तो बीच में खड़े होना चाहिए। तो यूं मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा रहा, और बाकी आप इन लोगों से अपने अपने सवाल कर सकते हैं। वही इसमें एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा, ये कि जैसे ये कह रहे हैं ना कि भाई सभी एक्टर चूं तक नहीं की, चूं नहीं मतलब बहुत कुछ किया भी हमने, मतलब गालियां भी बहुत दी, बैठ के ऐसे कि तैसे कहां फंस गए यार नहीं, लेकिन उसमें क्या है, और जुड़ने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसलिए हमने कहा चलो यार हर्ष के लिए कर देते हैं, चलो भाई एक चैरिटी कर देते, ऐसा नहीं है। एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कमीने होते हैं, मतलब लालची होते हैं, तो हर्ष ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और उसके अंदर जो हम लोगों को रोल ऑफर किए वो इतने एक्साइटिंग थे कि हम लोगों को लगा कि ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ये बहुत एक्साइटिंग है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है अगर हम इसमें काम करें, और हमें भी मजा आएगा और इसके साथ जुड़ने में मजा आएगा, मेरा ऐसा मानना है, और मेरे को लगता है सभी एक्टर्स एग्री करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है इसको बनाते हैं, और इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो ये कहती है कि भाई इसको 26 दिन में ही होना चाहिए तभी वर्क करेगी, तो इसीलिए हम सब जुड़े। और मैं आपकी बात पे कहना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि छोटी फिल्मों की, छोटे बजट की जो फिल्में हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सारी जनता से एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज आके थिएटर में एक बार तो देखिए, वो फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं, ये फिल्म भी बहुत मेहनत से बनी है, जैसे सबने बताया 25-26 दिन में हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट की है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है पूरी फिल्म का बनना, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट तभी मिलता है जब ऑडियंस आके देखे, आप लोग देखें, सबसे पहले आप लोग देखें, मतलब आज आके मिल लेना वो अलग बात होती है, लेकिन सिनेमा में जाके टिकट खरीद के फिल्म देखना बिल्कुल अलग बात होती है, तो प्लीज़ आप आइए और फिल्म तो ज़रूर देखिएगा। सना, ये आपकी शानदार के बाद दूसरी फिल्म है, और शानदार के बाद आपका काम काफी पसंद किया गया था, लेकिन आपने काफी वक्त लिया, क्या वजह है इस फिल्म को हाँ कहने के लिए, और क्या सबसे अच्छी चीज लगी आपको एज ए स्क्रिप्ट, इसमें स्क्रिप्ट की बात करें तो? आई थिंक जैसा उन्होंने कहा कि ये बहुत मेरे लिए पर्सनली ये बहुत अलग था शानदार से एज अ कैरेक्टर, मतलब क्वाइट ऑपोजिट था, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाह रही थी, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, और स्टार कास्ट आप देख ही सकते हैं मैं किन लोगों के साथ खड़ी हूँ, तो इन लोगों के साथ काम करने की मुझे बहुत इट वाज वेरी एक्साइटिंग, सो इसीलिए मैंने ये फिल्म चूज की। हाय सना। हाय सना, जैसा कि उन्होंने बोला शानदार के बाद आपकी दूसरी फिल्म है, yes. मैं भी जानना चाहूंगी कि शाहिद आपको कितना हेल्प करते हैं किसी स्क्रिप्ट चुनाव में, या फिर आप उनसे किस तरीके से डिस्कस करते हैं कोई भी फिल्म करने से पहले? मेरा जो जवाब है वो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं, ना तो घर पे हम घर की बात करते हैं, काम की बात नहीं होती है, हम मिलते हैं तो जैसे नॉर्मल भाई बहन है हम वैसे ही है, काम का कुछ नहीं होता, ऑफ कोर्स
पास अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हमेशा उनसे पूछ सकती हूँ, और उनकी भी फिल्में जब आती हैं तो हम देखते हैं और हम अपना ओपिनियन देते हैं, पर ऐसे कोई एक दूसरे से पूछता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब मैं अपने मॉम एंड डैड से भी नहीं पूछती हूँ, वो मेरी ही डिसीजन है। हमें ऐसे ब्रिंग अप किया गया है कि आपको ही अपने बलबूते पे अपनी चीजें चुन के आगे बढ़ना है, वो ऑब्वियसली एक फैमिली के नाते हमारे साथ हमेशा है, पर अदर देन दैट कुछ भी नहीं। सॉरी जी, बताएं सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है, समाचार समाप्त हुए क्या है? नागेश जी से आपको सवाल पूछना ही पड़ेगा, नागेश जी से सवाल पूछ बिना आप नहीं जा सकते। हाँ नागेश जी तो बेचारे आए 3-4 दिन शूटिंग के लिए, ये बात अलग है कि मेरी कविता जी यहाँ है ऑफिस में है, कविता जी जो आज भी, अबे नागेश प्लीज इस बहाने में इनसे कह दूं कि अपने सीए से कहो कि भाई साहब किताब दिला दे प्लीज, इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं इनको पकड़े, इनसे कहें तुम्हारा सीए जवाब नहीं देता, तुम जवाब नहीं देते, ऑफिस में कविता जी परेशान है, अमृत हाथ खड़ा करो तो इनको समझ आए कितनी दिक्कत है। हाँ प्लीज आप सॉल्व कर दें, सवाल पूछ लें, मेरी बीवी से पूछे कैसा लगा, नॉर्मली एक सवाल बनता है, आपके पति आप एक्टिंग भी हैं डायरेक्टर भी, आपको कैसा लगा इनके साथ काम करते करते, जवाब दे दीजिए इनकी तरफ से मैंने सवाल पूछ लिया। सेट पे हर्ष, खजूर पे सही मायने में मैं ही अटकी हूँ। मेरे माइक वापस दे दो, गलत गलती कर दी। ये सुखैर आगे और कोई सवाल है तो बताइए वरना। ये फिल्म में कई अच्छे एक्टर्स हैं तो मुझे पूछना है कि जब भी सेट में अच्छे एक्टर्स होते हैं तो काम कितना मजेदार होता है, और वो आपके लिए भी एक चैलेंज होता है कि ऐसा नहीं कि सेट पे आ गए हैं और फिर जो है चले आ रहे हैं 3:30 बजे 2 बजे 9 बजे की कॉल पे, नहीं ये लोग वक्त पे पहुंच जाते हैं शूटिंग से पहले। हमने 2 मरतबा रीडिंग की है पूरी स्क्रिप्ट की, क्योंकि इन्हीं एक्टर्स की मांग थी कि हमको पहले 2-3 बार साथ बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, फिर ये लोग सब अपने अपने घरों में काम करते हैं, अपनी अपनी बैक स्टोरीज लेकर के आते हैं। एक मुझे याद है विनय ने अपनी एक बैक स्टोरी बनाई है कहानी में, जो है ये अपनी बीवी से परेशान है, उनको भाई पसंद नहीं है, तो उन्होंने एक बैक स्टोरी बनाई कि मेरा बड़ा भाई जो है मेरी बीवी चुनने गया था, ये बीवी मुझे पसंद नहीं है इसलिए मुझे मेरा भाई मुझे पसंद नहीं है। ये लोग इतना गहरे घुस जाते हैं, तब आपको लगता है कि मैंने ज्यादातर किसी को लग सकता है इतना सोचने बताने बैक स्टोरी वगैरह क्या बकवास है, लेकिन वही सारी चीजें काम में नजर आती हैं, तो इतना बड़ा फर्क है। और उस या मैंने किसी के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सारे उस किस्म के एक्टर हैं, मुझे यही ऐसे ही लोग चाहिए थे, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, आधा काम आसान हो जाता है अगर आपकी कास्टिंग स्ट्रांग हो तगड़ी हो तो। और कोई सवाल नहीं प्लीज। उसमें तो एक ही जवाब है जो मुझे समझ में आया, बिकॉज ऐसा मैं पिछले कुछ 8-9 साल से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहली स्क्रिप्ट से लेकर के इसको बनते तक कुछ 9 साल लगे हैं, उसमें एक ही बात समझ में आई कि उसके और कोई उपाय नहीं है, एक स्क्रिप्ट आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता, आप सिर्फ टेबल पर ही रख के कहते हैं कि इसको पढ़ो बस, उसके बाद ही होता है जो होना होता है, अगर वो काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और लिखिए, अब लगेगा दूसरा 10 साल एक और लिखने में और क्या। जी समाप्त, जी पूछे सर, ये जो मूवी है कॉमेडी है नॉर्मली देखा जाए तो, जी हाँ नॉर्मली मूवी कॉमेडी में अभी हेलो हाँ जी हाँ सर, पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि मूवी कॉमेडी है तो अभी तो देखा जाता है कैसे कि मतलब ज्यादा कॉमेडी मूवीज नहीं होती, ये मूवी का आपका आइडिया कैसे आया कि हाँ ऐसी मूवी कुछ बनानी चाहिए? ये आइडिया कुछ 2-3 हादसे हुए थे मेरे घर में और मेरे आसपास, आप सुनते रहते हैं कहानियां, कुछ आपके घर में हुआ कुछ पड़ोसी के यहाँ सुना, तो पिछले 2-3 साल से ऐसी घटनाएं सुनी थी, उन्हीं में से फिर जो है उन आसपास के जीवन से ही ये कहानी निकली है। इसमें से काफी सारे लगभग सभी किरदार
मेरे घर से ही है मोटा मोटी, आप देखेंगे तो सबके घरों में ये किरदार है, किसी की वो फूफी है जो भगवान में बहुत मानती है, कोई एक बड़ा भाई है जो बहुत इमोशनल है, बात बात पे दौड़ जाता है, एक छोटा भाई है जो कोई मरने वाला हो तो पहले अपना हिसाब पूरा कर लेता है, उसको देखते रहेंगे, तो इस तरह के किरदार हर परिवार में होते हैं, उसी तरह के किरदार इस कहानी में है। और मेरी बीवी इसी बात से परेशान है कि फिल्म रिलीज होने के बाद सारे तुमको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब बहू को डांटेंगे, तो वो अभी से तैयार है कि उनको कितना कुछ सुनना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और सर मैं मैम से पूछना चाहूंगी, उन्होंने अभी काम किया है जैसे शूटिंग पे वहां फोन मूवी में भी और प्लस घर पे भी, तो उन्होंने कैसे सब हैंडल किया? हैंडल अभी तो बोला उन्होंने, फिर सुनना पड़ेगा मुझे। हैंडल मतलब मुश्किल है बट इट वाज फन। और कोई एक और रन हो जाए टेलर के पास, उसके बाद आइए बैठे आप लोग सब, फोटो अरे ग्रुप फोटो ले लें प्लीज, प्लीज ग्रुप फोटो ले लें, आ जाइए सब आ जाइए प्लीज आ जाइए, अशोक जी अब तो मान जाइए, अब फिर मानेंगे।